वही समझ आ रही है। मैंने ज्यादा ही बोलेगा फिर हम लोग भी उतर जाएंगे, बोलने लगेंगे भाई काम बंद करवा दो, काम बंद करा दो, भाई इनका काम हो रहा है कल आपका भी होगा, फिर सब बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके घर का तो है नहीं, बस काम तो हम ही लोगों का है, हमें क्या है, हमें दिहाड़ी यहाँ में कहीं और कमा लेंगे। काम करने वाले को ना वो भूखा नहीं रहता, काम मिल जाता है। चलो ठीक है, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन। को ये पिछले कल की वीडियो की बातचीत है जिसको कि आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आपको दिखाकर एक खास स्पेशल रेसिपी। आपने सुनी ये सब बातें, तो जब भी हम अपने घरों में काम कराएं हमें इन लोगों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे इनको कुछ समय समय पर चाय वगैरह दे दें। तो चाय से मैं अब अपनी रेसिपी पर आ जाती हूँ। गोभी के डंठल में जो ये इतने बड़े बड़े होते हैं, जब ऑनलाइन मंगाते हैं तब तो ये कितने भी बड़े होंगे हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, खुद ख़रीदने जाते हैं तब तो हम छोटा छोटा फूल लेते हैं, लेकिन अब इसमें ये डंठल को भी मैं यूज़ करूँगी, छिलका इसका हटा के चाहें तो धो के ऐसे भी डाल सकते हैं और खाते हुए हटा दें, तो अगर नॉन वेज का मज़ा किसी को लेना हो वेज में तो ले सकते हैं, वरना इसमें जो ये पत्ते हैं मैं इसका सारा ग्रीन भी निकाल रही हूँ, तो ये बड़े थे डंठल इसलिए ये काफ़ी निकल गया है, तो ये हरे धनिए का काम कर जाएंगे, इसलिए इनको मैं सबको इसमें यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर गोभी को जब काटना होता है ना तो उसकी एक आर्ट होती है, जैसे कि उसको इतना कट लगाते हैं और फिर ऐसे हाथ से अलग करते हैं, वरना ये छोटे छोटे दानों में बट के सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। इस तरीके से जितने चाहो इसके छोटे पीस बना सकते हैं, और जब ये यहाँ से जुड़ा हुआ है तब तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं निकालना हो तो यहाँ हल्का सा कट लगाया और ये अलग हो गया, और अगर इतना बड़ा नहीं डालना तो इसको इतना और फिर ऐसे खोल देंगे, तो ये चूरा नहीं होती है गोभी। सब्जियां मैंने ऐसी ली हैं जिसमें किसी में तीखापन ज़्यादा है किसी में मिठास ज़्यादा है, जैसे कि अब इन सबको मैंने काट के तैयार किया है धोने से पहले, अभी ये मैं और अच्छी तरह काट पीट कर रख लूँगी जैसा कि अब आप देख रहे हैं। इसमें हरे प्याज में जो डंठल वाला हिस्सा है वो भी मैंने लिया है, कोई भी चीज़ फेंकी नहीं है। अब ये पिछली वीडियो में अगर आप चाहें तो पता लगेगा कि ये मैंने एलोवेरा जूस बनाकर बॉटल भर के फ्रिजर में रख दी थी, अब मैं इसको थोड़ा मेल्ट होने के बाद थोड़ा पानी मिलाकर पी रही हूँ, इसका टेस्ट एकदम पानी जैसा ही आता है, कोई अपना टेस्ट नहीं होता, इसको आराम से पिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत हेल्दी होता है, हम रोज़ नहीं तो कभी कभी हमें ये ज़रूर लेना चाहिए। और यूज़ करने के बाद अभी इसमें काफ़ी है और बड़ी मेहनत से ये जूस निकाल के छान के रखना पड़ता है, इसलिए मैं इसको वापस फ्रिजर में रख रही हूँ। आप आगे की वीडियो में बने रहिए। इंग्रेडिएंट कोदरा राइस, कोदरे के चावल कुछ भी कह सकते हैं, ये मैंने पानी में भिगा दिए थे। कोदो मिलेट को बहुत बार धो लेना चाहिए क्योंकि इसमें से पानी निकलता रहता है और जो अधपके दाने हैं वो तैर कर ऊपर आते रहते हैं, तो जब तक वो ख़त्म ना हो जाए धो धो के, उसके बाद फिर पीने के पानी से भी एक दो बार मैंने इसको धोया और उसके बाद फिर थोड़े से पीने के पानी में ही कुछ देर के लिए डुबा के रखा क्योंकि इसको सोक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनको पानी में सोक करने के लिए 10-15 मिनट से लेकर के पूरी रात भी सोक करने के लिए छोड़ा जा सकता है। अब मेरी तैयारी में ये भी एक काम है कि मैं इसको छलनी में छान कर रख दूँगी। इधर कुकर में मैं डाल रही हूँ थोड़ा ऑलिव ऑयल, आप चाहें आप कोई भी तेल घी यूज़ कीजिए। मसालों में मैंने डाला थोड़ा जीरा, थोड़ी मेथी और थोड़ा सा सौंफ। ऑयल बहुत कम डाला है इसलिए मैंने उसको मसालों को पकते ही पूरे में फैला दिया ताकि ये सारी सब्जियां मैं जब इसमें डालूं तो जले ना। सबसे पहले फुल फ्लेम पे मैं आलू को थोड़ा फ्राई कर रही हूँ,
उसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें गोभी, क्योंकि ये वाली सब्जियां ऐसी हैं कि उबले हुए का टेस्ट देती हैं और मैं ऑयल कम डाल रही हूँ, तो इसलिए तेज गैस पर मैं इन दोनों सब्जियों को खूब घुमा घुमा के थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। आप देखेंगे आलू बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और गोभी को अगर देखेंगे तो वो भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसके बाद अब आगे मैं इसमें और सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर दूँगी। कोदो राइस मिक्स करने के बाद अच्छे से मिलाकर थोड़ा सा उसको भूनने के साथ साथ अब मैं इसमें मसालों के नाम पे 3 मसाले डाल रही हूँ, जिसमें है सूखा धनिया, हल्दी बहुत कम और अपने स्वादानुसार नमक। अब सब कुछ मीडियम फ्लेम पर घुमाने के बाद मैंने किशमिश लास्ट में डाली है, उसको भी इसमें थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैं डाल रही हूँ पानी। पानी इसमें बहुत कम डालना है क्योंकि सब्जियाँ सारी ऐसी हैं जो पानी से भरपूर हैं। इसके बावजूद भी आप अंदाज़ा ले लीजिए कि मैं पानी कितना कम डाल रही हूँ। जिस तरीके से दूसरे राइस पकाते हुए पानी एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं, कोदो में ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल लेई जैसा बन जाएगा और आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए पानी बहुत कम डालना है। और जब आप बनाने लगेंगे तो बनाते बनाते भी आप इसको सीखते जाएंगे, क्योंकि मैं कितनी सब्जी के साथ कितना कोदो ले रही हूँ वो डिपेंड करता है, अगर आप उतना ही लेंगे तो ऐसा ही बनेगा, वरना प्रैक्टिस से ही आपको ये बनाना आएगा। लेकिन बनाना बहुत आसान है, आपके साथ मैंने पूरी रेसिपी शेयर की है। अब देखते हैं अगले स्टेप। मीडियम हीट पर इसको 5-6 सीटी या एक आध ज़्यादा भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी ये पेस्ट भी इसमें ऐड होंगे, जिसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। और मेरे यहाँ पर लेबर काम कर रही है और मैं बीच में ये पका रही हूँ, लेकिन इसको पकने के बाद अभी क्या रेसिपी है आप देखिए, क्यों वेट करना पड़ेगा। उस दौरान मैं थोड़े से फ्रूट खा लेती हूँ और फिर आपको अपने घर की अपडेट भी हो सका तो साथ में ज़रूर दूंगी। काम तो सही है आपका, सही कर दूंगा। हो गया ना यहाँ का पूरा? नहीं, नीचे 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 रह गया। अच्छा, नीचे ऊपर का होगा यहाँ से नीचे। हाँ जी, और वहाँ बोर्ड के पास से नीचे। अच्छा, वो वाला देखो ना, वो वाला फाइनल, दोनों फाइनल उधर का, वो तीनों फाइनल है। देखती हूँ, जाके देखती हूँ ये वाला। हाँ, ये जगह भी बड़ी है ना दरअसल, देखते हैं। हाँ ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, सही हो गया ऊपर नीचे सारा। हाँ ये तो बहुत डैमेज थी, पूरी तो टूटी हुई थी और जब तोड़ी तो पूरी अंदर तक चली गई थी, वहाँ तक सही हो गया। ठीक है, इधर भी फोटो ले ले। हाँ ले लो, ले लो फोटो मेरे पास इसका था। अच्छा हाँ, अब ऊपर से काले वाले को डाल दो और फिर ये पानी की ये रख दो इसके ऊपर वजन के लिए। हाँ बस अब ठीक हो गया। हाँ जब ज़रूरत नहीं तो ढक दो, है ना। ठीक है, यहाँ का काम खत्म हो तो मैं मशीन वगैरह लगाऊं, कपड़े का ढेर लगता जा रहा है मेरे मैले कपड़े का। बस थोड़ा लगा लो आंटी, क्योंकि मुझे अब रेलिंग करना है। रेलिंग में कोई दिक्कत? आज शाम को देखूंगी, नहीं तो अभी तो लगा लेना। वैसे रेलिंग में कोई दिक्कत होते हैं थोड़ा? रेलिंग में तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, वो 1-2 घंटे में पूरा हो जाएगा। कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से करो। अब जाते जाते जल्दबाजी में कोई ऐसा ना हो कि अगर मुझे जल्दी करना था तो ऊपर ही करना, क्योंकि ऊपर डर है। नीचे तो कोई टेंशन नहीं, मैं आराम से कर सकता हूँ।
मेंटेनेंस ऊपर करना, ऊपर भी बड़ी आराम से किया हूं, बढ़िया काम किया हूं, ठीक है, ताकि चले तो कोई भी नाम लेके, हां कोई लड़का था काम करने वाला, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसकी विसल की आवाज रुक चुकी है, जो सू 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 की आवाज आ रही थी जो इसकी हीट से एक होती है इसमें। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक छेद छोटा सा, और ये डाल देंगे, और साथ में देसी घी, और इसको वापस से ढक देंगे। हो सकता है आप लोग बोलोगे कि अरे ये पहले क्यों नहीं डाल सकते, वो आपकी मर्जी है, आप डाल सकते हो, लेकिन जब इस रेसिपी से इसको बनाकर खाओगे तो आपको स्वाद खा के ही पता लगेगा। अब वापस इसको ढक देंगे करीब आधा घंटा के लिए। इसमें जो लगा है मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ, ये अच्छा गल गया है। सब्जियाँ तो गली जानी है, लेकिन जो ये कोदरा का राइस है, ये गोल गोल दाने, ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। वैसे भी जब भी कुकर में हम कोई पुलाव टाइप की आइटम बनाते हैं तो कुकर को एकदम नहीं खोलना चाहिए, अगर उसका असली स्वाद लेना है तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद ही रहने देना चाहिए। तो अब मैंने इसको छोड़ दिया है, और ये बाहर से इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि हमने तेज हीट पर काम किया था, और ये चाय गिरी है इनको लड़कों को कल पिलाते हुए काम वालों को, तो इसको भी मुझे साफ करना है। अब इसको खोलने का टाइम हो गया है, देखो धुआं अभी भी उठ रहा है इसमें से। अब इसको हल्के हाथ से मिला लूंगी मैं दोबारा सारा का सारा, क्योंकि जो घी और अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डाली थी वो पूरे में फैल जाए। बहुत ही बढ़िया है, इसमें जो मैंने अदरक हरी मिर्च का पेस्ट घी के साथ बाद में डाला था उसका फ्लेवर और फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग और रिफ्रेशिंग आ रही है कि इसके साथ दही अचार पापड़ कोई भी चीज नहीं लेनी है, तब इसका असली मजा आएगा। बाकी अपनी चॉइस है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज मैंने दिन में ये बनाया है कोदो राइस का पुलाव या बिरयानी जो भी कह सकते हैं। इस राइस की खासियत है कि इसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, इसमें इतनी सारी सब्जियां हैं तो उस वजह से वजन कम करने वाले इसको खा सकते हैं, और पेट से रिलेटेड जिसको कोई भी दिक्कत है वो इसको खाए तो उनके लिए बहुत ही हेल्दी होता है। साथ में मैं दे रही हूँ आपको अपने घर की अपडेट। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।